रुबीन साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं मेरे पास? नहीं नहीं, हम लोगों के तो जनरल मुशर्रफ ने तो खोले ना डॉक्टर साहब। चले सर, चले, ठीक है सर, ठीक। देखिए सबसे पहली बात तो आपने बड़ी एक अपनी तरफ से खुशखबरी आवाम को दी, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी खुशखबरी भी। अच्छा, मतलब आपने कहा जी एक न्यूज आ गई, तो मैंने कहा बेचारे हमारे और मासूम कुछ लोग ये ना समझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। वही हिसाब है देसी जुबान में, क्योंकि कल मेरे आलू के काश्तकार भाई भी जो है वो एहतजाज कर रहे थे आलू के टोकरे सजाए हुए, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आलू में गोभी, गोभी में आलू, हिसाब वही होगा, रिफॉर्म्स आए या बिल आए सूरत वही है रहेगी। दूसरी बात, जहां तक आमिर साहब ने एक बात की कि वजारत गालियात में, उसमें एक और इजाफा करना चाहूंगी कि वजारत नजूमियात भी है चौधरी फवाद साहब के पास, क्योंकि वो हर चीज का उनको इल्हाम भी होता है। और बाकी रह गई बात फ्रंट डोर डिप्लोमेसी जो सी है, उसकी हर जगह जो है वो ओपन है। अगर ये जाके धड़ाधड़ जगह जगह कह सकते हैं कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक कर देंगे, हम यूं कर देंगे, तो देखिए फिर मैदान तो सबके लिए है। और हमें ये देखना है, आज भी ऑपोजिशन ने कहीं ये नहीं कहा कि हम जो है वो पार्लियामेंट को गिरा रहे हैं, हम सब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक प्रॉपर ट्रैक के ऊपर लेके आए। और हम तो कहते हैं कि 5 साल पूरे करें, और मेरी जाती तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कहूंगी कि मेरा तो है लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क ना हो जाए, ताकि इनको फिर रोने का मौका ना मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज लाइन। मैं हूँ डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉमेंट जरूर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू YouTube चैनल। हम न्यूज़, आगे की सोच।